नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और बगैर वक्त ज़ाया किए हम बढ़ेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करेंगे हम वहीं से जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो चुके हैं। टाइम हमारे पास कम है, तो मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो इस्लामोफोबिया की जो डेफिनेशन है, टू गिव इट एट लीस्ट सम सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन, सम सॉर्ट ऑफ डिफाइनिंग बाउंड्रीज। तो मेरे पास एक डेफिनेशन है, सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस: an execrated and irrational fear, hatred and hostility towards Islam and Muslims perpetuated by negative stereotypes resulting in bias, discrimination and marginalization of Muslims from civic, social and political life. So that's called Islamophobia. Basically hatred jo hai musalmanon ke khilaf usko either Islam aur musalmanon ke khilaf to make sure as a result of creating negative stereotypes resulting in bias, discrimination or marginalization of Muslims from social spheres of life, social, civic or political life. To aap dekh le ki is sare mein ye definition encompasses not as civic, political and social circles. To aam ki rozmarra ki zindagi mein wo siyasi, samaji, maasharti in tamam shobon mein agar aap dekhein आयदर मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम की बुनियाद के या नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हुए आपके खिलाफ किसी की भी जो नफरत अंगेज रवैया है, अब उसको कह सकते हैं जी इस्लामोफोबिया का इजहार हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहु अली मौसी भाई, डॉक्टर साहब को मेरी सलाम को। अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से बोल रहा हूं। खुशामदीद खुशामदीद डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बड़ी खुशी है आपको देखा। जी जजाकल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आपने तो प्रोग्राम वाइंड अप कर दिया है, आपने तो एक जुमला कहा है उसके ऊपर प्रोग्राम तो खत्म कर दिया आपने। क्या जी? अमेरिका सुपर पावर टुडे इज नॉट टुमारो। वेल दैट्स माय व्यू। ये बात आपने की, ये तो सारी आप तो प्रोग्राम हंसी खुशी है आपको करना चाहिए, अभी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखें कि आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है डॉक्टर साहब, के ये टॉपिक अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटलिज्म की जो है ना, ये टूल होते हैं, इस्लामोफोबिया हो गया, मुस्लिम भूख हो गई, ये इसके टूल थे जो इस्तेमाल करता था। तो अब अमेरिका कल सुपर पावर नहीं रहेगा, तो इस्लामोफोबिया जो ना, ये भी टूल जो था यूज करता था कैपिटलिज्म, ये भी खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, अब बात अभी साथ साथ बात करनी थी अमेरिका की, अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब की। पहली बात तो यह है कि उनकी स्टडी करनी पड़ेगी कि वो स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स के, नंबर वन। अच्छा, दूसरी बात है, उन्होंने अपने ऑफिस में इब्राहिम लिंकन का वो जो स्टैचू वापस लेके आए हैं। अच्छा, इब्राहिम उन्होंने दो बातें बड़ी अच्छी की हैं, लेकिन पता नहीं बाकी दुनिया में आके वो क्या करेंगे। लेकिन ये बात हमें पता है कि ये जो सरप्राइज जो सुपर अपना सरप्रस्ती करते थे कैपिटलिज्म की, उसका जो हेड जो था वो स्टेप बैक हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी बात, खुशानदा बात है। तो दूसरी बात ये है कि उन्होंने जब इब्राहिम लिंकन का स्टैचू अपने ऑफिस में रखा, तो उसमें से क्या मैसेज मिलता है? मैसेज ये मिलता है कि जो अवाम की जो जो अपना जो बनाने की ताकत है, अवाम हुकूमत बनाएगी, वही चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अवाम की हुकूमत दुनिया में चलेगी, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम, मसनूई भूख, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। नेटो खत्म हो जाएगा, जिस तरह उन्होंने कहा अपने ऑफिस में बैठ के, नेटो को खत्म होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बात गिनी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी कि अमेरिका कल सुपर पावर नहीं है, क्योंकि उसकी पॉलिसी से उसे पता चलता है कि वो नेशनलिज्म बेस के ऊपर जाके महदूद होकर अपने ही सर्कल में वहां पर सर्वाइव करेगा, बैठ करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो आगे प्रमोट नहीं करेगा। तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो कुवतें हैं, जो इस्लामी दुनिया है, जो इसके अपना क्या कहते हैं, सूद के खिलाफ थे, कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, वो कुवतें इकट्ठी हों और वो अपनी क्या कहते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन करें मीडिया के थ्रू, अपनी सोच आगे लेके आए। तो ये जो मसनू जो चीजें थी जिसका जिक्र मैंने तोजह दिलाई है, तो इसे जान छूटेगी। तो बाकी ये है कि जो अमेरिका पीछे चला गया, उसने जो मैथ है इराक, लीबिया या शाम की जो मैथ थी, ये उसकी अपनी क्रिएट की नहीं थी। तो इसके वो दूसरे साथी थे जिनको उसने बोला कि ये यूरोपियन यूनियन की तरफ ले जाओ, इसके इन मसाइल को तुम खुद हल करो। तो इंशाल्लाह ताला दुनिया बड़े अच्छी तरफ जा रही है, पूरी होप है कि इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब की बात पूरी हो और इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रिपीट करके देखें और उसमें यही हो कि अमेरिका सुपर पावर टुडे इज नॉट टुमारो, इंशाल्लाह।
جس کنٹیکس میں بات ہو رہی تھی، لارجر کنٹیکس، تو اسلاموفوبیا ایک تو یہ ابھی ڈیفینیشن ہم نے کی، بہرحال بھی جب امریکہ میں جو صورتحال دگرگوں ہوئی ہے اور خاص طور پہ انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز پاس کر کے انہوں نے جو پولیٹیکل اور سوشل پروسیس چل رہا تھا اس آگ کو انہوں نے اور ہوا دی ہے، اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ آپ پروٹیسٹ بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں، ڈفرینٹ ایئرپورٹس پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، فیڈرل کورٹ میں، تو ایک خاص قسم کی سوشل جو انریسٹ شروع ہو گیا ہے، مطلب یہ ساری پرابلمس لے کے امریکہ میں آ گئے خود. ایگزیکٹلی، میں نے امریکہ میں دیکھیں، امریکہ میں بھی سپر پاور، نو ڈاؤٹ، آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ فیکٹ، امریکہ میں ہیوج ریسورسز، وٹ ایور آپ کہیں، ملٹری مسل، دس اینڈ دیٹ، لیکن دیکھیں امریکن اکانومی از انڈر ڈیٹ، $20 trillion، امریکن ٹوٹل جی ڈی پی اگر $3 trillion ہوگی تو دے آر انڈر ڈیٹ فار $20 trillion، ہاؤ دے گونا پری پے دیٹ؟ دیٹس نمبر ون. اور نمبر دو صورتحال یہ ہے کہ ابھی اگر سوشل انریسٹ جو ہے اور دیٹ لیڈز ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے، دیٹس اے ہیوجلی رسکی فیکٹر. اگر پولیٹیکل politically unstable or uncertain situation ہو، that's not good for capitalism anyway. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ جب اس پہ ہاؤ دا سچویشن وڈ ایوالو ٹائم ول ٹیل، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ دیٹس ناٹ گڈ فار امیریکا اوور آل. ایز اے سارٹ آف ایز اے آؤٹ سائڈر، آئی ہیو اے سنسیئر ہوپس فار امیریکا دیٹ سچویشن ریئلی سیٹلز ڈاؤن کوئکلی، اینڈ دا پولیٹیکل لیڈرشپ ایگزیکٹو ڈس آرڈر تو ضرور پاس کرتے ہیں، بٹ دیر از اے لاٹس آف ادر پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس اینڈ دیر از اے ویری اسٹرانگ انسٹیٹیوشن لائک کانگریس، سینٹ، ہاؤ دے کاؤنٹریکٹ دیٹ سچویشن اینڈ ہاؤ دے پرسیو، ٹائم ول ٹیل. اوکے، کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سب احباب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ٹاپک چل رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کو ہم دوبارہ بھی ویلکم کہیں گے، دوبارہ بھی سننا چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ. دیا ہے اچھا سلسلہ ہے، ایک نیا صبح ہدایت کو ایک نیا چینج ہے جو کہ اچھا ہے، خوش آئند ہے. اس سے آپ حالات حاضرہ سے زیادہ مطلب ربط رکھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ اسلامو فوبیا بیسیکلی، جیسے کہ نقوی صاحب پاکستان سے آئے تھے، انہوں نے عرض کی تھی، تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک کریٹ کردہ، خود ساختہ کریٹ کردہ ڈویژن کی گئی ہے اسلام کے اندر، اور ریڈیکل اسلام جو جس کی خود اسلام میں کوئی تشریح نہیں ہے، اسلام میں کوئی اس کا وجود نہیں ہے، اسلام میں کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ریڈیکل ہیں ان کا مائی باپ کون ہے؟ یہود و نصارہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کریٹ کیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا تھا کہ یہ لوگ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، خیرخواہ نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا یہ سوچنا پڑے گا کہ آج یہ لوگ، جیسے پاکستان آرمی نے جو ایک مر گیا بندہ، اس کی بنیاد رکھ کے گیا ریڈیکلزم کی، وہاں پہ جن لوگوں کو کیا، آج پورا پاکستان اس کو بھگت رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو رکھے تھے، یہ جو پابندی انہوں نے لگائی ابھی ویزا پالیسی پہ، اس پہ ان ممالک پہ تو لگا دی کہ جن کا سرے سے ہی کوئی کنسرن نہیں ہے دہشت گردی کے ساتھ، لیکن ان پہ کیوں نہیں لگائی جہاں سے یہ سارے ریڈیکل جو ہیں یہ نکلے تھے؟ خود امریکہ کے اندر جو دہشت گردی ہوئی تھی، اس کے جو لنکس ملے تھے یا جو پاسپورٹ ملا تھا، وہ کس ملک کا تھا؟ اس ملک پہ پابندی لگاتے تو پھر سمجھتے کہ نہیں، یہاں پہ شاید یہ اپنی ٹوٹلی پالیسی چینج کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک نئی ایرا کو ایک انہوں نے ہوا دینے کی کوشش کی. اور پھر آپ اگر دوسری سائڈ پہ سوچیں تو جو 11 ایڈوائزر رکھے ہیں خود، وہ کس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے؟ جو ٹرمپ صاحب نے جو 11 ایڈوائزر رکھے ہیں، وہ جنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ خود اس یہ جو ساری بنیاد تھی نا، اس کو شروع سے آواز دیتے آ رہے ہیں، ان کا تعلق کس ملک کے ساتھ تھا، وہ کس ملک کے لیے نمائندے رہ چکے ہیں، اور انہوں نے کس کس سطح پہ آ کے ان سب کو جو ہے یہ جتنی بھی آج دہشت گردی اور کہاں کہاں سپورٹ کیا. تو یہ کلیئر میسج ہے. یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک بندہ جو دماغی طور پہ اسلام کے خلاف ہے، اس کا ایک بنیادی، اور وہ اتنی اندر وہ رکھتا ہے، اس کو اس نے آتے ہوئے جو نعرہ لگا کے آیا تھا، اس پہ وہ ایکٹ کرتا جا رہا ہے، اور یہ ایکٹ کرتا جائے گا، یہ معاملات جو ہیں یہ بڑی تیزی سے، آپ یہ دیکھیں کہ سپر پاورز چینج ہونے جا رہی ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز نہ بھولیں کہ اگر یہ تیسری ورلڈ وار کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہاں پہ امام کے ظہور کی کچھ نشانیاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں، ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے. میرا یہاں سے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے
इस तनाजुर से हट के है, लेकिन ये है कि आप बैठे हैं तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएं और ये सवाल भी कर लें, वो मौजू से हट के है कि ब्रेक्सिट पे कुछ जरूर बोलिएगा कि जो ब्रेक्सिट होने जा रहा है उसका यूके पे क्या असर पड़ेगा, यूके की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, और जो हालात हैं इस वक्त जो स्कॉटलैंड है वो कहाँ पे खड़ा होगा, वो दोबारा वो रेफरेंडम की तरफ जाएंगे, इस पे थोड़ा सा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन इस्लाम फोबिया पे बात हो रही थी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, एक कॉल उसके बाद कॉल रोक देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं एक बेड लेना चाहता हूँ आपको। जी जी फरमाइए डॉक्टर साहब। से मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैंने जो सवाल किया था डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, चलो मैं इसको थोड़ा सा और वाजा करके आसान कर देता हूँ। डॉक्टर साहब आप देखेंगे जब अफगानिस्तान में रशिया आया था तो हमने उन लोगों को जो उसके मुकाबले में खड़े थे उनको मुजाहिदीन कहा था, और ये अमेरिका मुजाहिदीन का उनको असला भी देता रहा, और जब अमेरिका खुद अफगानिस्तान आया तो वो मुजाहिदीन जो थे वो तालिबान की शक्ल में बदल गए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि इस्लामोफोबिया, इसमें इस्लाम को जो फोबिया की शक्ल में इस्तेमाल किया गया है, ये मेरा फिर जो भी सवाल आपके सामने आएगा, इसमें हमारा अपना कितना हाथ है, अपने मुसलमान मुल्कों का जिन्होंने इस्लाम को फोबिया की शक्ल में तब्दील करने में मदद की अमेरिका की, ठीक है, और मुल्क तबाह करने की इस्लामी मुल्कों को तबाह करने की कोशिश की और नए नए कानून जैसे जिहादी नका हुआ या इस किस्म की चीजें जो लेके आए और इन्होंने इस्लाम को इस तरह बदनाम किया और इस्लाम को इस तरीके से इस्तेमाल किया, इसमें हमारा जो हाथ है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, लोगों को पता चले कि ऐसे जो बेनकाब करें उन लोगों को जिन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल करके फोबिया की शक्ल में लोगों के सामने पेश कर दिया, उनके चेहरे से नकाब करें और साबित करें कि वो लोग कौन से मुवालिक है जिनसे हमें बचना चाहिए और जिनसे हमें जान छुड़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को बताते चले कि हम मजीद कॉल्स नहीं ले पाएंगे आपकी, अब हम जो है प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो हम डॉक्टर साहब की तरफ मुतवज्जो होते हैं। एनीवे बड़े इंटरेस्टिंग और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात आ रही है। देखिए एक तो अभी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में और जो रीसेंट इवेंट्स में उन पे लग रहा है इसका पार्ट बी भी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अच्छा अब ये कि बात एक आपके कॉलर ने बड़ी अच्छी की, उन्होंने ब्रेक्सिट पे और खासतौर पे यूके कॉन्टेक्स्ट में बात की, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई मीन आई बीन पॉलिटिकली एक्टिव एंड सोशली एक्टिव है इन यूके पॉलिटिकल लाइफ, तो अब उसमें देखिए कि अब इस्लामोफोबिया जो है ये आज की बात नहीं है, ये मसलसल मीडिया का एक रोल है। मीडिया पे किन कुतों का कब्जा है, मीडिया पे किस तरह पोर्ट्रे करना चाहते हैं, आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी तरह समझने की ज़रूरत ये है कि मीडिया के थ्रू कंटिन्यूसली प्रोपोगेट करके एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है, ठीक है। एक पॉलिसी आपने मसलन इराक वार इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल, इराक वार जो है कि डिस्पाइट द फैक्ट पब्लिक न्यू देयर वाज अ ह्यूज पब्लिक अपरोर एंड प्रोटेस्ट इन यूके पॉलिटिकली देयर वाज यानी इतना प्रोटेस्ट हुआ यू कैन नॉट इमेजिन, लेकिन पॉलिसी कुछ और थी और देयर वर सर्टेन सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हु वर एब्सोल्युटली फॉलोइंग टोइंग गवर्नमेंट्स लाइन, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल लाइन है और जो नैरेटिव है दे वर फॉलोइंग दैट स्टोरी। सेम वे इंटरनेशनल जो मीडिया है दे सेट अ सॉर्ट ऑफ एजेंडा and then that disseminates everywhere. Ab samjhne ki koshish kare meri ki point ye hai ki CNN pe ek news release hoti hai, there's a small news break, breaking news, and then that disseminates everywhere. So that's the way they set the news agenda. Either Kashmir mein kya ho raha hai, Bosnia mein kya ho raha hai, ya Palestine, sabse pura blackout hai. Exactly, wo they don't want to show anything and what's happening in Kashmir mein itni independence movement chal rahi hai, but that doesn't serve their purposes. अगर ईस्ट टाइम का वाक्य होगा तो उसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं, दैट्स ऑन द पॉलिटिकल सीन पे वो एजेंडा आ जाए, पॉलिटिकल एजेंडे पे यानी वो सीन आ जाएगा, या पॉलिटिकली आप कह रहे हैं मीडिया के जो वार चल रही है, तो सो मीडिया इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, वन पार्ट ऑफ वन मेजर कॉन्टेंट ऑफ मॉडर्न वॉर। आप अपनी पब्लिक को कैसे एश्योर करना है, तो आई होप आपके जो काफ़ी सारे कॉलर्स हैं उनको मैं एश्योर कर सकूँ। और सेम वे इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इस्लामोफोबिया को देखा जाए तो 9/11 के बाद ये सारे वाक़ात आपको एक मोतियों की तरह जो है ना माला में जुड़े हुए नजर आते हैं वन आफ्टर अदर, एक सर्टेन एटमॉस्फेयर की। लखमी साहब ने कहा कि उन मुल्कों के नाम क्यों नहीं लिए जा रहे जो दहशतगर्दी की नर्सरियां रहे हैं और खुलेआम सीरिया के अंदर रहे, उसको सपोर्ट करते रहे। अच्छा चलें अगर सीरिया की बात ही करते हैं तो मुझे ये बताएं सीरिया और लीबिया में हु स्टार्टेड दिस,
ठीक है, हमें तो खबर भी नहीं थी, हमारी पार्लियामेंट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी हमारी एयरफोर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है, पार्लियामेंट वाज टोटली इन डार्क। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट में हमारी रॉयल एयरफोर्स के लोगों ने यू नो दे कंट्रीब्यूट एक्टिवली और वी वर ऑन द ग्राउंड्स इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं एडवाइजर्स, मिलिट्री एडवाइजर्स। ठीक है, हमारी स्पेशल सर्विसेज के लोग जो हैं वो दे वर प्रेजेंट इन लिबिया, सो इट्स पार्ट ऑफ आवर नेशनल, इज पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, पार्ट ऑफ आवर टूल ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, फाइन हू केयर्स। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हर पावर के, हर जो चंद जो लीडिंग कंट्रीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर देयर मिलिट्री माइट और व्हाटएवर इकोनॉमिक माइट, दे वांट टू मेक श्योर दैट वहाँ पे हम उनके मफादत के तहफ़ करने के लिए, लिबिया में हो किसी और जगह पे उनके मफादत के तहफ करने के लिए गवर्नमेंट्स आए। सेम वे मुझे ये बताइए इजिप्ट में क्या हुआ है, वाई दे कंडेम, वाई दे डोंट कंडेम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मुर्सी की गवर्नमेंट को हटा के वहाँ पे एक मिलिट्री कू किया गया और दैट वॉज वेरी एग्जीक्यूटिव प्लान। चले और बातें भी छोड़े, अब मीडिया की बात ही आ रही तो चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल, जर्मी कॉर्बिन उसके खिलाफ दो दफा पॉलिटिकली इज बीन ट्राइड टू असैसिनेट हिम इन ए वे, आई एम यूजिंग वेरी ओपन एंड सॉर्ट ऑफ वेरी ब्लंट लैंग्वेज, लेकिन यह है कि दो दफ़ा टोटली मैन्युफैक्चर्ड जो है उसके खिलाफ वो किया गया कि मीडिया से स्टार्ट किया गया जनाब ये है, और दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा ठीक है पॉलिटिकली उसको चैलेंज किया गया यू नो योर आपकी लीडरशिप खतरे में, ऐसे ही नहीं क्रिएट किया गया मीडिया में एक वाइब, मीडिया में पूरा हाइप क्रिएट किया गया और फिर जो है उसको हाइप क्रिएट करके एक रंग देने की कोशिश की। कहने का मकसद यह है कि जो मीडिया मास्टरमाइंड करते हैं, जो लोग मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं, दे नो हाउ टू क्रिएट हाइप, यानी किस चीज़ को, किसी को अगर यहाँ पे पॉलिटिकली कत्ल करना है तो उसका बेहतरीन तरीका कि मीडिया में न्यूज रिलीज कर दो, उसको मलाइन कर दो, देन ही इज पॉलिटिकली डेड, यू नो। तो कहने का मकसद है कि एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन ब्रेक्सिट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रेक्सिट के कॉन्टेक्स्ट में यूके में खासतौर पर एशियन कम्युनिटी और जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ से मराद मेरी सिर्फ एशियन माइनॉरिटी नहीं है, ब्लैक्स एंड बीएमई नहीं है, लेकिन अदर माइनॉरिटीज़ से भी मराद पॉलिश इमिग्रेंट्स हैं या कोई और भी इमिग्रेंट्स हों यूके में, अलग कितनी आबादी होगी, यूरोपियन इमिग्रेंट्स की भी बात कर लेता हूँ, सो लाइफ इज़ बिन मेड डिफिकल्ट लॉस ऑफ अदर पीपल्स, उसकी रेमिफिकेशन ये हैं जो मुझे खतरा है। मैं आपके चैनल पर पहले भी एक बार प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि पॉलिटिकली I'm very unsure about the whole situation. But Nicola Sturgeon, she's made very clear about this. If Britain leaves the European Union, then they will have to think of their status. The European Union is in this pele, what Scotland thinks. They might have to reconsider their position, whether they want to remain in the Union, British Union or not, United Kingdom or not. They will have to reconsider. So that means there's a possibility. Agar Jessica Theresa May has taken her position that she wants to get out of European Union as a hard Brexit, that's been termed, if she wants to take hard Brexit route, that's a very serious note. I think that's putting United Kingdom at risk. Aur uska natija ye bhi ho sakta hai Scotland mein ek referendum, or maybe Scotland may not be part of United Kingdom anymore. There's a good chance. Well, there's a good chance. There's a good chance. There's a good chance. I don't know the future. फ्यूचर तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन पॉलिटिकली जो चीज़ें मैं मुझे नजर आ रही हैं, डेवलप होती नजर आ रही है, ये पॉलिटिकली तो कह सकते हैं, राय दे सकते हैं, हाँ राय 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 इज माई परसेप्शन। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए मैंने ये चीज़ 2015 के इलेक्शन से मेरे लिए स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने जैसे वाइप आउट किया मेजर पोलिटिकल पार्टीज को, खैर स्कॉटलैंड में तो टोरीज का तो खास रोल ही नहीं रहा जब से मैंने फॉलो किया है, लेबर हैड ह्यूज प्रेजेंस, लेबर इज बिन एब्सोल्युटली वाइप्ड आउट, और देखिए पॉलिटिकल सीन पे स्कॉटिश नेशनल पार्टी इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन के ब्रेक्सिट के इलेक्शन में भी देखें मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्कॉटलैंड वॉन्टेड टू स्टे इन द यूरोपियन यूनियन। अब ओवरऑल यूके में ट्रेंड देखें, यूके में 48% and 52%, यू नो 40% and 52% or 50%, सो जस्ट 2% का प्लस माइनस, so it's a nearly split half and half, you can't call it absolute dominant majority, let's say 60% and 60-40, then the situation could have been different. England mein different hai, lekin agar Brexit ke sense mein dekhen to aap Scotland mein totally different voting pattern hai. Bilkul. So you cannot ignore that voting pattern and the say of Scottish people.
well, Scottish people may not have much say in the in London or British Parliament, lekin agar aapko us sense mein dekhe, the Scottish sentiments are very strong. How they want to preserve their future and what political aspirations they have, what they want to take, where they want to take Scotland, that's up to people of Scotland to decide, not for us. Thoda sa chand minute reh gaye hain, thoda sa chahenge ke Pakistan ka kya future rahega is speech pe, jo ye bade keh lenge big powers ki ek ladai ho rahi hai, uske andar Pakistan ka jo role hai geographically lihaz se bada ahem hai. Isme koi shak nahi, Pakistan ke role pe meri kafi ehbab se discussion hoti rehti hai aur पॉलिटिक्स में भी. आई थिंक मुझे लग रहा है कि यू नीड टू रियलाइज पाकिस्तान हैज़ मिलिट्री माइट, पाकिस्तान हैज़ मिलिट्री मसल. अब टॉप 10 कंट्रीज़ में देखें मिसाइल टेक्नोलॉजी में, एज बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और लीडरशिप से हैव अ ह्यूज एक्सपेक्टेशंस, बोथ पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप. दे नीड टू रियलाइज दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल एंड दे कैन बी पिलर ऑफ स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट इफ दे वांट टू प्ले द रोल. इफ दे हैव दैट role in mind, they can play a role of stability, they can stabilize the situation. But sahi hai, magar ye jo saudiya ki taraf rujhan inhone zahir kiya aur kaha ki hum jo hai wo aapki hifazat ke liye matlab strategic partner hain, magar hum dekhte hain ki china, russia and iran ek different block hai, to ke is chakkar mein hum china ko kho nahi rahe, china ke sath itni badi deal bhi karne ja rahe hain, to kis tarah ek opposite block ke andar. अगर आप ये सवाल करते तो मुझे आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहिए कि ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात को ख़ास खुश कुन नहीं रहे और ख़ास गर्म जोशी नहीं रही तल्लुकात में पिछले 15-20 साल में. ईरानियंस हैड वेरी क्लोज टाइज विद द इंडियंस, इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन अब ये सूरत हाल भी रीअलाइन हो रही है. अगर आपको याद हो पिछले 2-4 रोज में एक इस्लामाबाद में एक हेड ऑफ द स्टेट्स या एक हायर लेवल पर एक मीटिंग हुई है, एंड एज अ रिजल्ट इवन ईरान हैज़ ऑफर्ड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द सीपैक. जी. कहने का मकसद यह है कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड रशिया, दीज आर द सॉर्ट ऑफ न्यू इमर्जिंग अलायंस, न्यू मर्ज, जो नई सफ बंदियां, नई सफ आ रहा हो रही है इंटरनेशनल सीन्स पे और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सीन्स पे, ये भी उसकी एक झलक है. तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर आई वुड से सीपैक इज द फ्यूचर एंड दैट विल चेंज, दैट विल बी गेम चेंजर रीजनली, पॉलिटिकली and even sort of what's going to happen in future. Thank you very much. बहुत शुक्रिया रब साहब, आपका आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला. नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल्स किए. इंशाल्लाह हम दोबारा फिर कभी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब को अपना मेज़बान बना सकें, और सॉरी मेहमान बना सकें, सॉरी हम मेज़बानी कर सकें उनकी. इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.